साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि जब पूर्वी भारत बढ़ेगा तो पूरा भारत बढ़ेगा, जब पूर्वी भारत मजबूत होगा तो पूरा भारत मजबूत होगा। पूर्वी भारत का अभिन्न अंग हमारा नॉर्थ ईस्ट है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के करीब 5,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने पर काम चल रहा है। इनमें से लगभग 2,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पूरे हो चुके हैं। 1,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, जिसमें से लगभग 800 किलोमीटर सड़कों पर किसी न किसी स्तर पर काम जारी है। जहां तक रेल कनेक्टिविटी की बात है तो आने वाले 2-3 वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की हर राजधानी को ब्रॉडगेज लाइन जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। करीब 47,000 करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइन तैयार हो रही है। लगभग 1,000 किलोमीटर रेल लाइनों यानी नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। पहले नॉर्थ ईस्ट में हर वर्ष करीब 100 किलोमीटर रेल लाइन बनती थी या चौड़ीकरण होता था, जबकि बीते 4.5 वर्षों में 350 किलोमीटर लाइन हर वर्ष बनती है या फिर ब्रॉडगेज में बदली जा रही है। इतना ही नहीं, 19 वाटरवे यानी नदी मार्गों पर काम चल रहा है। यहां असम में भी ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के माध्यम से चिटगांव और मंगला पोर्ट के तक इनलैंड वाटरवेज बनाया जा रहा है।